नमस्कार दोस्तों, क्या आप महाराष्ट्र में रहते हैं? आप महाराष्ट्र के किसी पार्ट पुणे, थाने, नागपुर, नवी मुंबई कहीं भी रहते हैं? क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम गलत लिखा हुआ है? आपके आधार में, आपके वोटर में आपका नाम गलत लिखा हुआ है? क्या आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम गलत लिखा है? क्या आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम गलत लिखा है? दादा और वाइनो, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम गलत लिखा हुआ है और आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आप उसे सही कराना चाहते हैं, तो मैं विपिन चौहान लीगल कंसल्टेंट इसमें बिल्कुल आपकी हेल्प करता हूं। मेरे पास 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कैसे आप महाराष्ट्र में रह के, महाराष्ट्र किसी के पार्ट में रह के कैसे अपना नाम सही करा सकते हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे हम अपना नाम बदल के अपना नाम चेंज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने नाम को स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रोसीजर के थ्रू जाके गवर्नमेंट के थ्रू अपना नाम बदलवा सकते हैं और आपको फाइनली गवर्नमेंट से ये गजट नोटिफिकेशन, भारत का राजपत्र सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता है और वो अपना नाम बदलवाना चाहता है तो उसे 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है, सबसे पहले अगर वो अपना नाम बदलना चाहता है या फिर अपने डॉक्यूमेंट से करेक्शन करना चाहता है, ठीक है, तो उसको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है कि एफिडेविट बनाना। नंबर 1 पे सबसे पहले उसे एफिडेविट बनाना पड़ेगा। अब ये एफिडेविट क्या होता है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में मैं आपको नाम देता हूँ, अपना एग्जांपल देता हूँ। तो उसमें लिखना पड़ेगा, मैं विपिन चौहान, सन ऑफ, मेरे पिता का नाम, मैं महाराष्ट्र में पुणे, नागपुर, थाने में या कहीं भी आपका जहां का भी महाराष्ट्र का एड्रेस है, मैं यहां रहता हूं, मैं अपना नाम बदल के विपिन से सूर्या करता हूं और आज से मेरा नाम मैं सूर्या से ही जाना जाऊंगा। इस तरह से मुझे एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा एफिडेविट हो गया, ठीक है, ठीक। इस तरह का मुझे एक एफिडेविट का ऑनलाइन मैंने निकाल लिया या साइबर कैफे जाके निकाल लिया और डिक्लेरेशन दिया मैंने उसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये और मैं अपना नाम बदल के चेंज करता हूं। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है, स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है, अपने को महाराष्ट्र के किसी भी लोकल और एक नेशनल न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाना पड़ता है। और महाराष्ट्र के न्यूज़पेपर में क्या लिखना पड़ता है, सिंपली ये देखो, न्यूज़पेपर मैंने फाइल में लगा रखा है, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें भी लिखना पड़ता है, न्यूज़पेपर में जो हम ऐड देंगे उसमें भी ये लिखेंगे कि मेरा नाम विपिन, मेरे फादर का नाम ये, मैं महाराष्ट्र में यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं अपना नाम बदल के विपिन से सूर्या करता हूँ, ठीक है, और सभी भविष्य में मैं इसी नाम से जाना जाऊंगा। जब मैं 2 न्यूज़पेपर में छपवा देता हूँ, एक लोकल और एक नेशनल, ठीक है, चाहे वो मराठी न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई भी आपका जो लोकल न्यूज़पेपर हो उसमें छपवाने का, ठीक है दादा। दादा, जब आप ये काम कर लेते हो, फिर आपको तीसरा स्टेप है सीडी बनाना। अब दादा, कि जब हमने पहले स्टेप में एफिडेविट में भी वही लिखा, तो न्यूज़पेपर में भी वही दिया, तो तीसरे स्टेप सीडी के अंदर भी वही डालने का है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वो वर्ड में जो फॉर्मेट लिखेंगे और सीडी के अंदर बंद कर देंगे यही फॉर्मेट, कि मेरा नाम विपिन चौहान, मेरे फादर का नाम ये, मैं यहाँ का महाराष्ट्र में यहाँ का रहने वाला हूँ, अपना नाम मैं बदलना चाहता हूँ। जब मैं ये तीनों स्टेप कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, पहला मेरे पास एफिडेविट हो गया, दूसरा न्यूज़पेपर हो गया, तीसरा सीडी हो गया। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं, जो कि देखो आप इतना मोटा फाइल देख रहे हो कि भाई ये क्या है, तो 7-8 पेज और, मतलब 5-6 पेज और होता है जो मेरे वीडियो के नीचे होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो फिक्स रहता है सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं चेंज होगा उसके अंदर, तो वो पेपर प्रिंट आउट निकाल के फाइल में लगा देना है। जब आप इस फाइल को बना लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, तो आपको सेंट्रल गजट ऑफिस जो कि दिल्ली के अंदर है वहां पे अपना फाइल जमा करना होता है, सेंट्रल गजट ऑफिस, क्योंकि केंद्र सरकार का गजट जो है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, ना ही सिर्फ महाराष्ट्र। आप किसी भी स्टेट में जॉब करने के लिए जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया वीजा लगाते हैं, आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में जाते हैं, सेंट्रल गजट हर जगह वैलिड है। मैं आपको अपने पर्सनल वाइज रिकमेंड करूंगा कि हर व्यक्ति को सेंट्रल गजट ही बनवाना चाहिए, ये सभी स्टेट्स के अंदर वैलिड है। तो जब आप ऐसा कर लेते हैं, फाइल को सेंट्रल गजट ऑफिस दिल्ली में सबमिट कर देते हैं, ठीक है, सबमिट करने के 1 महीने से 40 दिन के अंदर आपको ऐसा सर्टिफिकेट ई गजट की वेबसाइट पे आ जाता है, जिस पे लिखा है भारत का राजपत्र, ठीक है, गजट ऑफ इंडिया। जब आप ऐसा कर देते हैं तो ये हो जाता है। जब आप कर देते हैं इसके, आप इस सर्टिफिकेट को लेकर आपको क्या करना होता है, जब ये आपके पास आ जाता है 1 महीने बाद 40 दिन बाद,
आधार की वेबसाइट पे जाना है, पैन कार्ड की वेबसाइट पे जाना है, वोटर की वेबसाइट पे जाना है, हर वेबसाइट पे जाके इसको अपलोड कर देना और अपना नया नाम लिख देना। आपका जो नाम है वो चेंज हो जाएगा आपके हर डॉक्यूमेंट में, चाहे वो आपका आधार हो चाहे आपका कुछ भी हो, हर डॉक्यूमेंट में आपको गजट का कॉपी लगाना है और अपना नाम बदलना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आपको अपना नाम कैसे बदलना है, अपना सरनेम कैसे बदलना है, 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट पे अपना नाम कैसे चेंज करना है, तो मैं बिल्कुल इसमें आपकी हेल्प करूंगा। प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।